नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। जानवरों को सड़कों पर छोड़ने वालों की अब बढ़ने वाली है मुश्किलें। नॉर्थ एमसीडी ने जानवरों की मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए उनके शरीर में चिप लगाने का प्लान बनाया है। यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद सभी चिप लगाई जाएगी। इसके बाद अगर किसी ने जानवर सड़क पर छोड़ा तो उस पर कम से कम 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल की सज़ा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई जानवर किसी की जान लेता है तो मालिक को, मृतक के परिवार को हर्जाना भी देना पड़ेगा। नॉर्थ एमसीडी वेटनरी विभाग के एक सीनियर अफसर के अनुसार कुछ दिन पहले इंद्रपुरी में एक सांड ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। इस हादसे के सड़क पर छोड़ दिए जाने वाले जानवरों की धरपकड़ की गई, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि यह पता नहीं चल पाया कि सांड किसका है। ऐसे में अब फैसला किया गया है कि जानवरों में चिप लगाने का प्रोसेस बेहद आसान है। अफसरों के मुताबिक यह सस्ता भी है और चिप 1,000 रुपये में मिल जाती है, थोक में 200 या इससे कम में भी मिल जाती है। एक इंजेक्शन आता है, उसी में चिप रहते हैं। इंजेक्शन लगाकर चिप को जानवरों में फिट कर दिया जाता है। अफसरों का यह भी कहना है कि चिप लगाने के बाद गौशाला में जानवरों की भीड़ खत्म हो जाएगी। बाहरी दिल्ली, साउथ दिल्ली, नजफगढ़ एरिया और पश्चिमी दिल्ली की तमाम सड़कों पर आवारा जानवरों से ट्रैफिक जाम की समस्या है जो खत्म हो जाएगी।